नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। इंडियन आइडल हो या नच बलिए, आज के दौर में रियलिटी शो में टैलेंट के साथ साथ भरपूर ड्रामा भी देखने को मिलता है। शो में किसी का फ्लर्ट, किसी का झगड़ा, किसी का स्ट्रगल, इन चीजों पर ज्यादा खास ध्यान रखा जाता है। टीआरपी के लिए मेकर्स किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब बात इंडियन आइडल की ही ले लो। शो में नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण का जो टीआरपी के लिए रोमांस चल रहा है, ऐसा लगता है कि शो मेकर्स टैलेंट पर कम, ड्रामे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सिंगर सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब मेकर्स टैलेंट के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ टीआरपी पर ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शो को हिट करने के लिए कंटेस्टेंट की बैकग्राउंड स्टोरी और दर्द भरी दास्तान को हाईलाइट करके दिखाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आइडल 11 की। इंडियन आइडल टीआरपी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शो में इस बार तो शादी तक होने वाली है। दरअसल इंडियन आइडल 11 के सेट पर इन दिनों काफी मस्ती मजाक चल रहा है। शो में जज नेहा कक्कड़ और होस्ट आदित्य नारायण के रिश्ते को लेकर काफी मस्ती हो रही है। शो में दोनों की बेडिंग अरेंजमेंट तेजी से चल रही है। पिछले दिनों शो के सेट पर दोनों की सगाई दिखाई गई थी। दोनों के पेरेंट्स भी शो में आए। सिंगर कुमार सानू ने आदित्य नारायण की तरफ से नेहा कक्कड़ को एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। नेहा और आदित्य की मैरिज 14 फरवरी को होने की उम्मीदें हैं। इसके बाद बात करते हैं नच बलिए सीजन 9 की। नच बलिए के 9वें सीजन में काफी ड्रामा देखने को मिला। टीआरपी के लिए शो में एक्स कपल की जोड़ी भी बनी, जिसमें एंट्री लेने वाले कपल्स में से एक थे मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह। दोनों के झगड़े काफी फेमस हुए। शो के सेट पर दोनों ने खूब ड्रामे किए, खूब लड़े, जहां तक कि एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। ऐसी भी खबरें आई थी कि विशाल ने मधुरिमा को बैक स्टेज थप्पड़ भी जड़ दिया था। इसके बाद बात करते हैं सुपर डांसर की। सुपर डांसर टीवी शो को काफी पसंद किया जाता है। शो में छोटे छोटे बच्चों का टैलेंट रोंगटे खड़े कर देता है। शो जब भी आता है तो टीआरपी लिस्ट में ही रहता है। शो को अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। तीसरे सीजन में प्रतोष त्रिपाठी और ऋत्विक दवजानी ने शो होस्ट किया था। शो में प्रतोष त्रिपाठी का शिल्पा शेट्टी संग फ्लर्ट करना काफी चर्चा में रहा था। मामा जी बने प्रतोष त्रिपाठी शिल्पा से फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। टीआरपी के लिए शो में ये सब काफी दिखाया जाता था। इसके बाद बात करते हैं रियलिटी शो राइजिंग स्टार की। राइजिंग स्टार को टीआरपी लिस्ट में लाने के लिए मेकर्स ने हर संभव कोशिश की। शो के 4th सीजन में आदित्य नारायण ने खूब मसाला भी दिया। शो में नीति मोहन संग उनका फ्लर्ट काफी चर्चा में था। स्टार प्लस का शो डांस प्लस। राघव जुआल अपनी डांसिंग स्किल के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनकी एंकरिंग भी काफी पसंद की जाती है। डांस प्लस में राघव काफी मस्ती करते हैं। शो में वो शक्ति मोहन संग काफी फ्लर्ट भी करते हैं। हालांकि ये सब टीआरपी के लिए ही किया जाता है। तो इन सब रियलिटी शोज को देखते हुए एक बात तो तय है कि ये अब रियलिटी शो नहीं, एक स्क्रिप्टेड शो बन चुके हैं, जिनमें टीआरपी के लिए रोमांस और फ्लर्ट किया जाता है। जहां तक कि कई बार तो फेक झगड़े भी दिखाए जाते हैं। तो वहां पे बिग बॉस के घर में जो चल रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये रियलिटी शो अब सिर्फ नाम के रियलिटी शो हैं, बाकी सब कुछ स्क्रिप्टेड हो चुका है।